वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की आप सब पर बहुत ज़्यादा कृपा हो और आप सबका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से जाए। सीधे पॉइंट पर आते हैं आज के इस वीडियो में। UPSSC लोअर PCS, आपको पता है कल इसका एग्ज़ाम है और परसों इसका एग्ज़ाम है, तो कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी, आपका ही फ़ायदा होने वाला है और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कल है और परसों इसका एग्ज़ाम, पिछले 6 महीने से इसकी तैयारी करवा रहा हूँ क्योंकि फॉर्म जो है बहुत पहले आ गया था, तो आई होप आप लोग भी प्रिपेयर हो गए होंगे। मैंने अपने चैनल पर GK GS छोड़ दो अगर, तो हिंदी की, रीजनिंग की और मैथ की अच्छे से प्रिपरेशन करवाई है। मैथ भी मैंने लास्ट में शुरू किया, बट हिंदी और रीजनिंग मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई अपने चैनल पर। तो आई होप जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं पिछले 6 महीने से, वो लोग तो जानते ही जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल के एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड पर आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं किया होगा, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, मुझे पता है बहुत सारे ने कर लिया है, बहुत सारे ने नहीं किया है। तो जिन्होंने नहीं किया है तो वो एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें, एग्ज़ाम के पहले डाउनलोड नहीं करना आपको, क्योंकि एडमिट कार्ड के नीचे भी बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सारे पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, क्या चीज़ें ले जाना है क्या चीज़ें नहीं ले जाना है उसके लिए पहले से ही आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो लोग एडमिट कार्ड पढ़ते नहीं हैं, उसमें लिखा होता है कि क्या बोलते हैं, एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, क्या बोल ए दो फोटो आपकी लगेगी, इसके साथ साथ आपकी एक आईडी प्रूफ लगेगी, तो लोग दो फोटो लेकर नहीं गए होते हैं, या कभी कभी आपकी आईडी प्रूफ की फ़ोटो कॉपी मांगता है। तो अगर जो जो चीज़ उसमें लिखा है उसको लेकर के जाओ, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाओ एग्जाम से देने जाओ, फिर वहाँ पे आपको पता चले, फिर आप आसपास दुकान ढूंढो, फिर वहाँ पर फ़ोटो करवाओ, फ़ोटो निकलवाओ, ये सब नहीं करना। आपको माइंड को फ्री रखना है, दिमाग को अपने फ्री रख लो, अभी आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। दिमाग को अपना जितना ज़्यादा फ्री रख सकते हो उतना ज़्यादा फ्री रखो। इसके बाद बात करेंगे भाई हम लोग सबसे सेकंड पॉइंट के बारे में कि भाई आपको माइनस मार्किंग के बारे में पता है कि नहीं पता है। जिसको नहीं पता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1/4 माइनस मार्किंग है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, कल जब मैं लाइव आया था तो पूछ रहे थे माइनस मार्किंग कितनी है, तो मुझे पता है कि 80% लोगों को पता होगा, 90% लोगों को पता है, बट जिनको नहीं पता है जान ले 1/4 माइनस मार्किंग है। और माइनस मार्किंग को लेकर के बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो ये समझो कि अभी जो है माइनस मार्किंग 1/4 हो गई है, यानी कि चांसेस आपके ज़्यादा हो गए हैं। पहले क्या था, 50-50 चांसेस था, अभी क्या है, 25-25, मतलब आपको जो है माइनस मार्किंग आपकी जो है कम होगी, यानी कि अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा गलत करते हो तो उतना ज़्यादा माइनस नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, आपको लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन लगता है कि ये नहीं हो सकता है, और दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आप बेहिचक लगा करके आओ। यानी कि अगर आप ऐसे समझो कि 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, मान लो 150 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो और 10 क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो वो 10 क्वेश्चन आप डाउट वाले करके आना। मतलब क्या पता उसमें से आपका 10 में से, अगर आप ये सोचो कि 10 में से अगर आपका 4 सही हो जाता है 6 गलत हो जाता है, तब भी आपका फ़ायदा ही होगा। ये समझो कि अगर आपका 4 से, क्योंकि एक सही पे 2 पॉइंट मिलेंगे आपको और 1/4 आपका कटेगा, तो आपका ही फ़ायदा है। 2/4 में आपका कटेगा तो आपका ही वो फ़ायदा है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको 10 में डाउट है तो आप करके आओ, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। आप खुद देख लीजिएगा, नंबर बढ़ेगा और आपका ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माइनस मार्किंग को आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, लेकिन ये नहीं कि आपको एकदम क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप डिस्क मत लेना, उसको आप छोड़ देना, वहाँ पर तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद। देखो, एग्ज़ाम आप देने बैठो तो आपको सबसे बड़ी बात तो है ना कि हर एग्ज़ाम के पहले एक ये र्यूमर फैलता है कि ये जो पेपर है बाहर आ गया। और पेपर बाहर आने से क्या होता है कि भले ही पेपर लीक नहीं हुआ होता है, लोगों के दिमाग में बैठ जाता है पेपर बाहर कैसे आया, और लोग क्या करते हैं कि र्यूमर फैलाना शुरू कर देते हैं, पेपर बाहर आया, पेपर लीक हुआ था। जबकि होता क्या है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाने के चक्कर में पेपर दे रहे हैं। अब सोच रहे हैं पेपर तो जमा होगा, बीच का 2 पेज निकाला, अपने एडमिट कार्ड के साथ लगाया, उसको लेकर के बाहर आ गए। अब वो जो बीच का 2 पेज 3 पेज बाहर निकाले हैं भाई, अगर वो उसकी फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, कहीं डालेंगे, तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि पेपर तो बाहर आ गया, पेपर तो लीक हो गया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। र्यूमर फैलेगा तो फालतू का लोग सोचेंगे कि पेपर क्या बोलते हैं लीक हुआ है, और नहीं भी पेपर लीक हुआ होगा तो फालतू के लोग, मतलब आप आगे समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे भाई सेफ़ स्कोर के बारे में। तो सेफ़ स्कोर के बारे में आप ये समझ लो कि भाई इस बार जो है आपको 20,000 लोग बुलाए जाने हैं, तो सेफ़ स्कोर ये समझ के चलो, थोड़ा सा तो आपको अच्छा ही रहेगा, बट आप ये समझ के चलो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और
अगर आपका पेपर थोड़ा सा सरल आता है, सरल आता है, जैसे कि अभी आपका जुलाई में पेपर हुआ था, उसके पहले पेपर हुआ था, कुछ थोड़े पेपर सरल आ गए थे, तो ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। बट अगर आपका पेपर वीडियो जैसा आता है, या अगर आपका पेपर क्या बोलते हैं मंडी परसेंट जैसा आता है, तो जो कट ऑफ है 210-220 के आसपास रहने वाली है। तो ये समझ के चलो कि आपको एक सेफ़ स्कोर की बात करूँ तो 210-220 के आसपास। आप ये सोच के चलो कि हमको इतना चाहे जैसे लाना ही लाना है, मुझे पता है कि इससे कम ही रहेगा, लेकिन अभी आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि 20,000 लोग चुने जाएंगे तो कम रखना है ज़्यादा रखना है, तो वो सब दिमाग मत रखो। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि वीडियो में तो 210 चला गया। अरे भाई, वीडियो में 210 गया, उसका रीजन तो समझो कि 1953 लोग सिर्फ चुनने हैं, एक ही एग्जाम था, लेकिन यहाँ पर 20,000 लोग चुने जाने हैं, तो यहाँ पर तो कट ऑफ थोड़ा सा तो आपको रियायत बरतेगा ना, तो ये चीज़ दिमाग में रखो। अभी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे इतना नहीं जाएगा उतना नहीं जाएगा, लेकिन वो चीज़ दिमाग में रखो आप लोग। और इसके अलावा और क्या बताना चाहूँगा आपको, यही बताना चाहूँगा कि बस एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा सा दिमाग को फ्री रखो, दिमाग को खोल के रखो। अभी आपको जाने से पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैं ये बता दूंगा कि जाने से पहले आप कुछ एक्स्ट्रा नया मत पढ़ना। आपने जो पढ़ रखा है, जो आपने नोट्स बना रखा है, वो चीज़ पढ़ लेना। और मैं कोशिश करूंगा अभी रात तक आपको एक ऐसा वीडियो दे दूं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं वो आपको वहां पर कवर कर दूं, सिर्फ वन लाइनर के माध्यम से या आपको पॉइंट पॉइंट के माध्यम से, जिससे वो चीज़ हो सकता है एग्जाम में आ जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आ जाती हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, GI टैग हो गया, और आपके सम्मान पुरस्कार हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो सब चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा बस। और आपको जो कुछ नया नहीं पढ़ना है, और आपको हिंदी प्रिपेयर हो गया है, मैथ, GK GS रीजनिंग, जो भी चीज़ें हैं आपने प्रिपेयर कर ली होंगी, अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आप बहुत पीछे चल रहे हो अभी, क्योंकि आपको 6-7 महीने 8 महीने का टाइम मिला था, तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग करके जाएंगे, और जो चीज़ें हैं आप लोग दिमाग में रखेंगे, और जो मैंने आपको बताया जो नहीं करना है वो चीज़ मत करिएगा, कि एग्ज़ाम हॉल में जाओ और पेपर मत ले बाहर लेकर के आ जाओ, तो ऐसा मत करना भाई, चालाकी मत करना, क्योंकि आपकी चालाकी से बहुत सारे लोगों का घाटा हो जाता है, तो ये चालाकी मत करिएगा। तो बस यार, आज के इस वीडियो से इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।